मस्त व्यू गाड़ी के साथ पीछे। हम अपना हेलीकॉप्टर घुमा रहे हैं हेलीपैड पे। आई लव लाहौल। यस वी आल्सो लव लाहौल। तो फाइनली पहुंच गए हैं हम आंटी के पास। नमस्ते आंटी। भाई चाय के लिए बोले चाय चाय पियो चाय पियो। और आंटी ने हमारे लिए देसी पहाड़ी आलू पैक कर दिए हैं। साउथ पोर्टल पहुंच चुके हैं हम अटल टनल की। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑल द वे फ्रॉम सिसू हिमाचल प्रदेश। तो आई होप कि आप सही होंगे, स्वस्थ होंगे जी सब लोग, और मस्त होंगे हमारी तरह। तो वेल आपका एक और नए दिन में बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम लोग। तो आशा करते हैं कि आपको भी उतना ही मज़ा आ रहा होगा ये देख के जितना हमको आ रहा है। तो गाड़ी हमारी हो गई है तैयार निकलने के लिए सेकंड डे के लिए, आज सिसू में सेकंड डे। तो देखते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या प्लान करते हैं। आज कोई प्लान नहीं अभी हमारा। तो अभी हो रहा है सामान पैक गाड़ी के अंदर भाई, और मस्त व्यू गाड़ी के साथ पीछे। तो चलिए सामान रखते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। और गाइस यहाँ पे देखो बच्चों के लिए भी काफ़ी सामान है गेम्स खेलने के लिए। और मैंने आपको रात को ये नहीं दिखाया था, ओप्स सॉरी यार। ये पूरा का पूरा लाइब्रेरी स्टॉक कर रखा है इन्होंने यहाँ। बुक्स ही बुक्स हैं इतनी सारी, पता नहीं कौन पढ़ता होगा इनको लेकिन बहुत सारी बुक्स हैं। उधर भी है देखो एक स्टैक। और ये इनका है जी रेस्टोरेंट। भाई मस्त नज़ारा है बाहर का, और कुछ नहीं बस। तो बस सामान जा रहा है हमारा धीरे धीरे। तो गाइस आलू के परांठे आ चुके हैं हमारे, और बहुत ही छोटा साइज़ है। कैसे हैं? मस्त। चलो फिर खाएं। तो गाइस थोड़ा फ़ोटोशूट वगैरह करा के यहाँ पे अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं। सबसे पहले जी हम जा रहे हैं उस वाटरफॉल पे जो मैंने आपको दिखाया था, सिसू वाटरफॉल। ठीक है, ओके भैया, थैंक यू सो मच, बाय बाय। ये सिसू का हेलीपैड है जहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं, लेकिन वाटरफॉल के लिए हमें काफ़ी वॉक करना पड़ेगा। और हम कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं आज कि हमको आज ही आज चंडीगढ़ वापस चंडीगढ़ तक पहुंचना ज़रूरी है, क्योंकि कल हमको गुड़गांव 4 या 3 बजे से पहले पहुंचना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे वहां सेक्टर में डांडिया का प्रोग्राम हो रहा है जो मैं मिस बिल्कुल नहीं करना चाहती। इसकी वजह से हम लोग आज यहाँ से आधा रास्ता कवर करना चाह रहे हैं। तो यार हम सोच रहे हैं वाटरफॉल तक ना जाएं, क्योंकि ज़्यादा वॉक करना पड़ेगा, यहाँ पे 2-3 घंटे चले जाएंगे हमारे। प्लस दूसरी बात यह है कि हमारी बहुत डियरेस्ट डोलमा आंटी, डोलमा पर शीदा आंटी यहाँ रहती हैं ऊपर केलोंग में। तो यहाँ से केलोंग ऑलमोस्ट 20-25 किलोमीटर्स है। तो हम सोच रहे हैं उनके घर चलें, उनसे मिल के आएँ। अभी ऐसा कुछ सोच रहे हैं, अब उनसे बात होगी तब डिसाइड होगा कि जा रहे हैं नहीं हो रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो बाकी आपको बताते हैं आगे क्या कर रहे हैं। बट यहाँ पे मैगी पॉइंट्स भाई भरमार जिसको कहते हैं ना, वो है सारे के सारे। ये देख लो, अभी हम गाड़ी में ही हैं। ये देखो दूर दूर तक भाई ट्रक्स खड़े हैं मैगीज वाले, और पता नहीं क्या क्या और भी कुछ बना ही रहे होंगे वैसे, लेकिन मैगी तो भाई बहुत है, बहुत ही ज़्यादा। ATVs और यहाँ पे ATVs भी खड़े हुए हैं। और हम हेलीपैड पे घूम रहे हैं। हम अपना हेलीकॉप्टर घुमा रहे हैं हेलीपैड पे। तो गाइस यहाँ हेलीपैड से आप थोड़ा नज़ारा ले सकते हैं, देखिए बहुत ही बढ़िया वाटरफॉल है यार, बहुत ज़्यादा अति सुंदर। तो मस्त यहाँ पे फोटोशूट चल रहा है गाइस, बड़ा मज़ा आ रहा है यार। और मौसम बहुत बढ़िया है भाई, मतलब मुझे तो गर्मी लग रही है, आप देख रहे हो, मैं तो मतलब अपनी हाफ साइज की टी शर्ट में ही हूँ। द अटल कैफे सिसू। तो गाइस ये टूरिज्म का है, हिमाचल टूरिज्म। और भाई ये देखो मस्त
I love Lahol. Yes, we also love Lahol. तो ये काम चला हुआ है बीच में रास्ते में और अभी हमको यहाँ से ट्रैफिक रोक दिया गया है इधर भी और उधर का भी. पता नहीं कब तक फ्री करेंगे यार, ये तो ऐसा लग रहा है. ओके बोलते ही मेरे हट गया. हमें हो गए थे 10-1 मिनट यहाँ खड़े हुए. खतरनाक. गाड़ी रोक लिए रतन ने तो यहाँ थोड़े से फोटोज लेने के लिए. बहुत ही खूबसूरत व्यू है यार. ये देखो यार गाइस, भाई क्या खतरनाक पहाड़ लग रहे हैं यार, इतने सुंदर. चमकते सितारे ख्वाबों का चल, यहाँ रोशनी है. हर दर्द का हल आसमान के पार, जहाँ खो जाए वहाँ नए सपने हम साथ लिए चले. रंगीन सपने का जो है रास्ता वो नीचे छोड़ दिया है और ये रास्ता ऊपर जा रहा है मलंग की तरफ, वारी विलेज की तरफ.
फाइनली पहुंच गए हैं हम आंटी के पास. नमस्ते आंटी. तंग कर दिया आपको सुबह सुबह हमने. कैसे हो? ठीक है. और आगे आप नमस्ते. अनु के दादी अनु. अच्छा अच्छा. चलो बाहरी घूमना है. बाहरी आ जाओ. बाहर तो पूरा ही घूमते आ रहे हम. क्या है आपको? तो सुनिए मेरा माइक है ये. हाँ ढोलंग नीचे का. अच्छा नीचे. अच्छा अच्छा. तो ये है जी अनु की बुआ. अभी बस कुल्लू से तो हम लोग कल निकल के आ गए थे. फिर यहाँ रुके हुए थे सिसु में. अच्छा. अटल टनल के साथ में ना. बिल्कुल वहाँ रुके हुए थे कल. ठीक है. हाँ जी बिल्कुल ठीक है. सब ठीक. वाह भाई वाह. ये देखिए गाइस बुखारी लगी हुई है. बुखारी. तो गाइस देखो यहाँ के कल्चर में ऐसे नीचे बैठकर ही आप भोजन ग्रहण करते हैं. और में हाँ ले में बैठे थे हम. हाँ और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है इसलिए ये बुखारी लगा के रखते हैं हमेशा. ये जलती रहती है तो यहाँ अंदर गर्म रहता है. इसको बुखारी कहते हैं. तो ये क्योंकि वुडन है ना सब कुछ इसीलिए अंदर सब वुडन भी रहता है ताकि ठंड ना लगे. हम चाय वाले नहीं है ना बुआ जी. जूस वाले हैं. On that day when we first met, my heart trembled, unsure what to feel. Your smile so bright, full of hope, filling my dreams with every thought of you. You are a brand new story, slowly opening my heart. First love that will never fade, like the morning light at dawn. First love, so perfect and bright. Your presence brings color to life. Every feeling, laughter, and joy will always be with me every step of the way. Together we walk, side by side, without fear of what the future holds. When you hold my hand so tight, it feels like the world is ours to keep. You are a brand new story, slowly opening my heart. First love that will never fade, like the morning light at dawn. First love, so perfect and bright. Your presence brings color to light. तो चलो गाइस निकल रहे हैं. हमको चंडीगढ़ जाना है. टाइम हमारा दिखा रहा है 9 बजे चंडीगढ़ पहुंचने का. तो ज्यादा लेट नहीं करते हैं निकलते हैं. बस आंटी से मिलना था वो मिल लिए. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. ठीक है बुआ जी. भाई चाय के लिए बोले. चाय पियो. चाय नहीं पी. चाय पी के ही चले हम. आपने देखा ही था. तो बस मैं जूस पी लिया है. ठीक है. और ठीक है ध्यान से रहना. ठीक है. तो ये दादी जी हैं यार. मतलब यहाँ मौसम इतना ठंडा हो जाता है. मतलब पता नहीं कैसे रहते हैं यहाँ पे. बर्फ में कैसे रहते हो यहाँ? बर्फ जब पड़ता है तो कैसे रहते हो फिर यहाँ इतना ठंड में? अच्छा. पर अंदर से ना फिर वो ये वो बुखारी वगैरह जला लेते हैं तो गर्म रह जाता है अंदर ना. और आंटी ने हमारे लिए देसी पहाड़ी आलू पैक कर दिए हैं निकालने के लिए. इतने सारे कर दिए हैं. बस तो चलो हम निकलते हैं यहाँ से. ठीक है बुआ जी. बाय बाय. फिर मिलेंगे. रह के जाएंगे. गाड़ी वो लगा दी है नीचे. हाँ आ गए आ गए. तो चलो गाड़ी वाला ही कोई तो हो रहा है ज्यादा कि मैंने गाड़ी चलानी है. इतने घंटे चला के कैसे पहुंच गए तो. ठीक है. बाय 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 बुआ जी. बाय. गाइस ये प्लम्स दिए हैं वो भैया कुछ. इनको हमने एंड में बाय की थी उन्होंने. तो आप फ्रेश प्लम्स का बताओ कैसे है. बहुत सही. मीठे हैं. बहुत मीठे. On that day
When we first met, my heart trembled, unsure what to feel. Your smile so bright, full of hope, filling my dreams with every thought of you. You are a brand new story, slowly opening my heart. First love that will never fade, like the morning light at dawn. First love, so perfect and bright. Your presence brings color to life. Every feeling, laughter, and joy will always be with me every step of the way. और 69 को क्या कहते हैं? 69. 69 नहीं 59. 59 तो फिर 59 ही हुआ ना. 69. 69 को कहते हैं 69, 70. When you hold my hand so tight, it feels like the world is ours to keep. You are a brand new story, slowly opening my heart. First love that will never fade, like the morning light at dawn. First love, so perfect and bright. Your presence brings color to life. Every feeling, laughter, and joy will always be with me every step of the way. Together, the way. तो गाइस मस्त सी कॉफी आ चुकी है. Together we walk, side by side. Without fear of what the future holds, when you hold my hand so. तो फ्रेंड्स कैफे से हम लोग निकल चुके हैं, अब बढ़ रहे हैं हम अटल टनल की ओर. लाहौल में पधारने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद लाहौल वासियों. It feels like the world is ours to keep. You are a brand new story, slowly opening my heart. तो गाइस हम उतर रहे हैं नदी के किनारे जाने के लिए, क्योंकि अभी तक हम एक भी बार पानी के पास नहीं गए हैं. तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं नदी के किनारे, और यार यहाँ पे ये आपको सैंड दिख रही है भाई, इतनी उछल उछल के जा रही थी, थोड़ी सी शांत हुई है तो हमने कहा फटाफट चलो और पिक्चर्स मस्त वाली क्लिक करा लिए यहाँ पे. अगर आप लोग हमको इंस्टा पे नहीं फॉलो करते हो प्लीज़ प्लीज़ जाके फॉलो करिए, और खूबसूरत नज़ारों के मज़े लीजिए हमारे साथ. मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए हमारे इंस्टाग्राम के प्रोफाइल लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. गाइस लीजिए स्वागत है आपका एक बार फिर से अटल टनल की ओर जाते हुए. साउथ पोर्टल पहुंच चुके हैं हम अटल टनल की. ओ भाई शीश. तो
काफ़ी ज़्यादा रश है, काफ़ी लोग हैं। कुछ लोग सिर्फ यहीं तक भी आते हैं, अटल टनल की एंट्रेंस तक भी आते हैं और यहाँ से वापस भी हो जाते हैं जिनको आगे नहीं जाना है। तो फ्रेंड्स, आगे का सफ़र हमारा कैसा रहा और कहाँ तक रहा ये जानने के लिए आप प्लीज़ हमारे नेक्स्ट व्लॉग को ज़रूर देखिएगा। और आशा करती हूँ कि ये व्लॉग भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ 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 जाकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारा साथ दीजिएगा आने वाले हमारे सारी वीडियोज़ में। तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल, मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द। इसी व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय। सर बम्बा।